एंड दिस ये सेशन बेसिकली प्रेस केमिस्ट्री पे है वेयर आवर एक्सपर्ट मिस्टर अविनाश फ्रॉम टेक्नोवा आपको बताएंगे कि प्रेस पे केमिकल्स यूज कैसे करना है क्यों करना है और कब करना है एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी जो ऑडियंस में है प्लीज बी फ्री टू आस्क क्वेश्चंस वी हैव सम एक्सपर्ट सिटिंग इन द फर्स्ट लाइन ईयर ऑल्सो सो आपके क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय देम व्हेनेवर एंड वॉट एवर यू फील लाइक वुड यू लाइक टू टेक क्वेश्चंस ड्यूरिंग कि यू वांट आप एंड में लोगे सो आप लोग नोट करके रखिए कहीं आई थिंक लास्ट का हाफ एन आवर ही विल गिव यू फॉर दिस सो आई हैंड ओवर टू अविनाश विथ अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द बीएमपीए थैंक यू अविनाश थैंक यू टेक्नोवा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैंने सेट किया है उसको बैकड्रॉप के तरीके से मैं यूज़ करूँगा उससे पहले मैं एक जानना चाहता हूँ ऑडियंस से कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ओके जीआईपीटी एसआईएस दोनों ओके हु इज़ फ्रॉम जीआईपीटी गॉड ब्लेस यू आई एम फ्रॉम योर सेम इंस्टीट्यूट बट आप देख सकते हो 84 में पास आउट किया मैंने सो काफ़ी समय हो गया उसको बट अच्छा लग रहा है इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे देखते हुए क्योंकि 84 में जब पास आउट होके मैं इंडस्ट्री में आया तो मुझको जो गालियां पड़ी हैं शॉप फ्लोर पे कि प्रिंटिंग स्कूल से तुम डिप्लोमा लेके आए बाकी आता तुम्हें कुछ है नहीं एंड इट वॉज अ फैक्ट मैं सच बताता हूँ उनकी अपेक्षा थी कि भाई हमने बोला है कंपनी ने रिक्रूट कर दिया इसको लड़के को आता कुछ है नहीं अब उन्होंने रिक्रूट किया होगा किसी को भी ये जानते हुए कि भाई मेरा काम हल्का हो ये थोड़ा मेरा हाथ बटा है उसको पता चला कि इसको तो मतलब हाथ पकड़ के सिखाना पड़ेगा सो आई थिंक बीएमपीए का प्रिंट वीक का ये जो इनिशिएटिव है मैं मानता हूँ कि बहुत लंबा चलेगा अगर इससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है कि इंडस्ट्री में जाने से इंडस्ट्री की अपेक्षाएं हमसे क्या हैं अगर वो 20% 30% पर भी खरे उतर सकते हैं तो एक बहुत बड़ा काम जो है कर पाएंगे ऐसा मेरा मानना है फिर जो प्रोफेशनल्स हैं जो मशीन पे काम कर रहे हैं या सुपरवाइजरी लेवल पे हैं वो तो खुद काम जानते हैं तभी उनके पास नौकरी है भाई तो उनको तो कुछ ज़्यादा सिखाने जाए मुझे लगता नहीं आई थिंक मेरा काम आप लोगों के साथ इतना ही रहेगा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से कि आप काम तो कर रहे हो तो काम करते हुए बाहर जो नए नए सॉल्यूशंस केमिस्ट्री के हिसाब से आ रहे हैं मशीन पे उसको स्कैन करके देख के रोज़ की ज़िंदगी में वापरें वो करने के लिए आपके पास टाइम नहीं मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि भाई क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं कैसे यूज़ किए जा सकते हैं और क्या स्टैंडर्ड से यूज़ करने तो ऑडियंस में से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आप कई लोग जो रिपीट आए हैं इस प्रोग्राम में कई लोग पहली बार आए तो आप क्या चाहते हो कि आप इस प्रोग्राम से क्या ले जाएं घर पे जिसको टेक होम वैल्यू कहा जाता है आप इस प्रोग्राम से क्या अपेक्षा करते हो एनीवन कुछ तो बोलिए ओके वन कैन यू हेल्प मी राइट डाउन हियर नॉलेज ओके एनी कोई पर्टिकुलर नॉलेज पर्टिकुलर प्रिंटिंग केमिस्ट्री ऑन द प्रेस रूम परफेक्ट सर जी Yes. Fair enough.
है। लेकिन मैं टेक्नोवा केमिकल्स के बारे में इन पर्टिकुलर बात करने नहीं आया हूँ। आई टॉक अबाउट केमिकल ओवरऑल। परफेक्ट सर, स्पॉट ऑन, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। यहाँ से कोई पूछना चाह रहे थे, आप बोलिए। क्वालिटी आउटपुट ऑन वर्ल्ड क्लास लेवल, यस। करेक्ट यूसेज, प्रॉपर परसेंटेज, राइट, गॉट इट, थैंक यू। व्हाई गुड केमिस्ट्री, व्हाई केमिस्ट्री, यस प्लीज सर। रेक्टिफाइंग द एरर्स, बेस्ट और स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस यू कुड से, डज दैट कवर व्हाट यू आर सेइंग सर? ओके, थैंक यू। सो यू गॉट हाउ मेनी? डज इट, ये कवर करता है सबके दिल में, दिमाग में जो है, या इन पॉइंट्स को छोड़ के और कुछ है तो प्लीज बोलिए, और वी कैन देन गेट इनटू सेशन। केमिकल स्टोरेज कंडीशन, एक्सेलेंट। एनवायरमेंट, ओके, प्रेस केमिस्ट्री टू एनवायरमेंट इक्वेशन, फाइन, very very valid point again. Okay, I think that's acha collection aaya hai. I thank the audience honestly, because top of the mind issues hain aur thode far antar se jo hai ye baatein sabhi ke roz ke kaam mein aane wali hain, kahin na kahin इसके साथ हमारा जुड़ना तय है। तो जो पॉइंट्स आए ऑडियंस से, मैं इस वजह से भी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि जस्ट फॉर आस्किंग और सेटिंग अप अ पॉइंट आपने नहीं बोला है, ये रियलिस्टिक है। थैंक यू सो मच, लेट्स बिगिन। पॉइंट्स हैं, मेरी अपेक्षा है मैं कवर कर पाऊँगा, और जैसे ही सेफ्टी ख़त्म हो जाएगा देखने से, उसके बाद व्हाई केमिस्ट्री जो क्वेश्चन आया था, आई थिंक मैं वहाँ से फिर आगे उसको लेके बढ़ता हूँ। अगर कहीं पर आपके दिमाग में ऐसा है, स्पेशली जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, कि जो डिस्कम्फर्ट एरिया होता है मशीन पे, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि भाई हॉट मेल्ट लैमिनेशन की मशीन में जो एडहेसिव ड्राई होता है उसको कैसे क्लीन करें, कोई सोल्यूशन है क्या? अगर पैकेजिंग का प्रेस है तो उसमें कोटिंग का जो ब्लैंकेट है वो साफ नहीं होता है, उसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या? या फिर अगर बोर्ड या अनकोटेड पेपर से ब्लैंकेट पे बहुत ज़्यादा पाइलिंग हो रही है, ब्लैंकेट क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ रही है, तो उसको घटाने के लिए कुछ सोल्यूशन है क्या? अगर ऐसे स्पेसिफिक प्रश्न आपके पास हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो। हो सकता है प्रेजेंटेशन में वो कवर ना किया गया हो, दैट इज़ फाइन, इट इज़ ओके। तो जहाँ तक मैं और ये जो पैनल यहाँ बैठा है, मैं इनकी पहचान भी करा देता हूँ आपसे, हम में से जितने उत्तर हम आपको यहाँ दे सकते हैं देंगे, और अगर किसी से कंसल्ट करके बाद में भेजना है, वी विल टेक योर ईमेल आईडी और आपको भेज देंगे। सो सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगा प्रफुल्ल साठे, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और अनुभव प्लेट्स और केमिकल्स में आई थिंक सिर्फ इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड ओवर जाते हैं, और स्पेशलिटी अभी जो है CTP प्लेट्स एंड CTP इंजन्स में है इनका। सो प्रफुल्ल,
मिलिंद काळे, ये इंक के बैकग्राउंड से अब केमिस्ट्री में आए हैं. सो इंक्स, प्लेट्स, केमिकल्स, ये इनका फोर्टे है. तो अगर आपके पास कोई प्रश्न ऐसे हैं जो इंक्स और कोटिंग्स के ऊपर हैं तो वो भी आप ला सकते हो. मिलिंद आपसे बात कर पाएगा उसमें. देन कम्स रिचर्ड. यू सर्टेनली सर, माई प्लेजर, बिल्कुल दूंगा. जस्ट मेक अ नोट सो दैट यू आर एबल टू सर्कुलेट. रिचर्ड ऑल्सो इज फ्रॉम द इंक बैकग्राउंड से हैं, बट ये इंक डेवलपमेंट, इंक्स और कोटिंग्स जो हैं यूवी के हो या एक्वियस के हो, वो कैसे डेवलप करने चाहिए, क्या फीचर्स के साथ करने चाहिए, ये इनका खासियत है. तो अगर कोई प्रश्न वहाँ से आते हैं, उस एंगल से आते हैं, तो रिचर्ड जो है आपको हेल्प कर सकता. थैंक यू रिचर्ड. सो सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बात करते हुए, सेफ्टी कितने तरीके की होनी चाहिए, हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, क्यों सेफ्टी को क्यों देखना चाहिए, क्या जरूरत है. जरूरत मेरा मानना इस वजह से है कि ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट और प्रेस का या कंपनी का रेपुटेशन, ये सब के चलते हुए सेफ्टी पे ध्यान देना जरूरी है. और मैं जो करंट चीज़ें हो रही हैं भारत में उसका भी दाखला आपको देता हूँ. अवर करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जो मेक इन इंडिया का बात कर रहे हैं, तो अगर मेक इन इंडिया यहाँ होना है, आज पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि ये होने जा रहा है, ऐसे नज़र आ रहा है, तो आप अगर बाहर का काम लेके प्रिंटिंग प्रेस में करेंगे तो उनके यहाँ के जो लेजिस्लेशन हैं उसके लेजिस्लेशन के चलते हुए वो नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप बाहर से लाया हुआ काम कर नहीं पाओगे. और मैं आपको ये अनुभव से बताता हूँ कि जैसे SVHC, ROHS, ये जो रिच लेजिस्लेशन है यूरोप में, स्पेशली फॉर दी केमिकल्स, इसके चलते हुए कम से कम 8 से 10 इंक्वायरीज हमारे पास हर महीने आती है कि भाई हमारे पास ये जॉब आया हुआ है, क्लाइंट को ये सर्टिफिकेशन चाहिए. सो ये जो टेक्निकल एबिलिटी है, काबिलियत है, हमने तो अपने आप में ढाल ली है. तो इस वजह से अच्छा, दूसरा सेफ्टी रिकॉर्ड अगर आपका ठीक नहीं होगा ना, वो बंदा आपसे काम नहीं कराएगा. आप ये बात की गांठ बांध के चलिए. सो सेफ्टी ऑल ऑफ अ सडन हैज बिकम इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, इट वॉज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. बट चूंकि मेक इन इंडिया पे जोर दिया जा रहा है आजकल, सेफ्टी को आपको ज्यादा बारीकी से देखना पड़ेगा. मैं इतना भर बोल रहा हूं आपसे. सेफ्टी रिस्क कितने टाइप के देखिए, वर्क प्लेस में है, एर्गोनॉमिक हैजार्ड है जिसको कि कैरिंग, लिफ्टिंग, रिपीटेटिव मोशंस एंड मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, केमिकल हैजार्ड, नहीं इसको बंद रखो, ऑफ कोर्स, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, मैकेनिकल हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड. तो इतने टाइप के अलग अलग हैजार्ड जो होते हैं वर्क प्लेस में होते हैं. आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ केमिकल हैजार्ड की करने जा रहे हैं. सो देर इज लॉट मोर सेफ्टी और हैजार्ड और रिस्क जो है काम करते वक्त. हमेशा जितने मैं ऑल इंडिया में या इंडिया से बाहर भी जहां पर भी सेमिनार लेता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई भी केमिकल प्लेयर, मैन्युफैक्चरर आपसे कहता है कि आपको इतना ज्यादा केमिकल वापरना चाहिए, तो आप एक झूठे व्यक्ति से बात कर रहे हो. केमिकल्स आप चाहे जो बोल लो, अगर वो दवाई के रूप में हो या मैं जो मैन्युफैक्चर करता हूं उस रूप में हो, केमिकल हार्मफुल है, 100% हार्मफुल है. करेक्ट हैंडलिंग जो है ना, उससे रिस्क मिनिमाइज आप कर सकते हो. ओके, मैं जैसे कहता हूं केमिकल, पानी भी केमिकल है. मेडिकल टर्म है हाइपोनेत्रेमिया. अगर एक बैठक में यहां बैठ के मैं 15 लीटर पानी पीऊं तो मैं मर जाऊंगा. ओके,
सो हर केमिकल हार्मफुल है. सो देयरफॉर क्या कहते हैं कि अंधाधुन केमिस्ट्री को वापरना जो है, आई डोंट थिंक कोई टेक्नोवा का बंदा ऐसे प्रमोट करेगा. और अगर किसी ने गलती से भी कर दिया तो मेरा मानना है या तो वो हमारे साथ आगे काम नहीं करेगा या उसको काउंसलिंग दिया जाएगा, ये गारंटी है. सो दैट इज उस बैठक से हम लोग आते हैं. अब देखते हैं केमिकल हजार्ड में क्या क्या इन्वॉल्व है. ये कॉमन टर्मिनोलॉजी आप जानते हैं, फ्लामेबल है, कॉम्बस्टिबल है, करोजिव है, टॉक्सिक है और हार्मफुल केमिकल्स हैं. नॉर्मली ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं यूज़ की जाती हैं. तो इसको आगे देखते हैं, ये हैज़र्ड से हमें क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हैं. पर्सनल इंजुरी, स्पिलेज ऑफ केमिकल्स, डैमेज टू प्रोडक्ट्स एंड फायर. चार पांच टाइप के हैज़र्ड्स जो हैं, अगर हम लोग केमिकल्स को ढंग से यूज नहीं करें तो ये हैज़र्ड्स हमें हो सकते हैं. इस वजह से लॉ के हिसाब से मेनली सॉल्वेंट से ज़्यादा तकलीफ होने की संभावना होती है. सॉल्वेंट मतलब केरोसिन से लेके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से लेके तो वॉशेस तक आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब के सब सर सॉल्वेंट्स में आते हैं. तो ये सॉल्वेंट की जो अम्ब्रेला है, इसमें अगर आप वॉशेस को देखने जाओ तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये तीन क्लासिफिकेशन हैज़र्ड्स के चलते हुए. क्लास ए आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, हाईली फ्लामेबल, फ्लैश पॉइंट बिलो 23 डिग्रीज, स्टोरेज नॉर्म्स हैं वो स्लाइड में हैं. ऑलमोस्ट सब अल्कोहल डैम्पनिंग मशीन में जो है आईपीए यूज होता है. सर आईपीए का फ्लैश पॉइंट 12 डिग्री सेंटीग्रेड. तो मैं डरा नहीं रहा हूं, ओके, बिकॉज देर इज, इसके पीछे साइंस है. अभी मान के चलिए कि नॉर्मल टेम्परेचर, आप सब बॉम्बे में हो ऐसा मैं मानता हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर हमारे अंडर रूफ क्या होगा. अगर एसी रूम में काम नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल रूम में काम कर रहे हो जहाँ पंखे चल रहे हैं, अबाउट 26 टू 28 डिग्री, करेक्ट सर, करेक्ट. अब 12 डिग्री फ्लैश पॉइंट का केमिकल आपके शॉप फ्लोर पे है तो क्या ये बॉम्ब की तरह फट सकता है अगर रूम टेम्परेचर 12 डिग्री से बढ़ जाए तो? होगी ना डरावनी बात. बट होता है क्या ऐसे? नहीं. इस वजह से ये फ्लैश पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा डीपली समझना हमें जरूरी बन जाता है. फ्लैश पॉइंट से ऊपर अगर स्टोरेज टेम्परेचर आता है, किसी ने स्टोरेज के बारे में पूछा था ना, राइट, आपने पूछा था, राइट, तो वो जो लिक्विड केमिस्ट्री है फ्लैश पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर बढ़ने के बाद में वो वेपर छोड़ने शुरू करता है. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, हमेशा के लिए ध्यान में रखिए कि फायर हैज़र्ड जो हमने देखा कभी भी लिक्विड फायर कैच नहीं करता, हमेशा उसकी जो वेपर है वो फायर कैच करेगी. उसको अगर आग मिले तो आग कहां कहां से आ सकती है सोचिए आप. आपके मोबाइल फोन से आ सकती है, आपके स्विच ऑन ऑफ से आ सकती है. अगर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह ज्यादा हुआ तो. इस वजह से स्टोरेज के बारे में क्या कहा जाता है, स्टोर इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया. ये वेंटिलेशन क्या है सर, आप कोई भी वेपर को एक जगह में कॉन्सेंट्रेट नहीं होने दे रहे हो. ठीक है, अच्छा सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी की मैं आपसे बात कर रहा हूं. ठीक है सर, हमारे बचपन से घर में भी अगर हम लोग कहीं गांव गए हो, वापस आने के बाद में सब खिड़कियां विड़कियां खोल के जो आप 2 मिनट बाहर खड़े रहते हो, क्यों? किसी भी चीज की वेपर कॉन्सेंट्रेट हो गई, वो घर में जाके मैंने बत्ती जला दी तो वो रिस्क नहीं लेनी. अनफॉर्चुनेटली मैं जैसे आज आपके साथ आर्टिकुलेट करके बोल रहा हूं, हम लोग घर में ऐसी बातें नहीं करते. ठीक है, फिर टिपिकल इंडियननेस, वेरी नाइस, हर जगह दिया बत्ती करनी है, भगवान का फोटो तो लगेगा भाई, दिया भी जलेगा वहां पे,
तो जहाँ पे आपका वेयर हाउस है 5000 लीटर का वॉश का आपने स्टोर किया है यार, कम से कम भगवान की फोटो दरवाजे के बाहर तो लगाएं, अंदर नहीं लगानी चाहिए। ओके, छोटी छोटी बातें हैं। जब भी आप रिनोवेशन के लिए जाएं, इन विच एवर कैपेसिटी आप करें, तो आपका जो स्टोरेज का एरिया है, लाइट की बटन्स जो है दरवाजे के बाहर रखें, भगवान का फोटो जो है दिया बत्ती कर रहे हो दरवाजे से बाहर रखें, अंदर नहीं रखें। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे आसानी से हम लोग सेफ्टी को देख सकते हैं। अब आते हैं प्रीप्रेस केमिस्ट्री की तरफ। प्रीप्रेस केमिस्ट्री मतलब प्लेट रूम में जो केमिस्ट्री लगती है, आप क्या क्या यूज करते हो, डेवलपर्स जेंटलमैन लेडीज, कोरोजिव का सिंबल ये होता है, डिलीट्स टॉक्सिक, गम्स जो प्रोटेक्टिव गम्स हैं या बेकिंग गम्स हैं, दे आर इरिटेंट टू द ह्यूमन स्किन। सेंसिटाइजर्स इरिटेंट, डेंसिटी बूस्टर्स फ्लामेबल, प्रोसेस क्लीनर्स फ्लामेबल, वाइप ऑन डेवलपर्स फ्लामेबल। ये जेनेरिक केमिस्ट्री, मैं यहां पर किसी भी ब्रांड का नहीं बोल रहा हूं, केमिस्ट्री एज सच में ओवरऑल लेवल पे बोल रहा हूं। और ये सबके सिंबल्स हैं। आप टेक्नोवा प्रोडक्ट्स जब भी देखेंगे तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो लेबलिंग है और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारा यूरोपियन बेस्ड है, तो मेरे जो लेबल्स जनरेट होते हैं वो ऑनलाइन जनरेट होते हैं जिसका सर्वर यूरोप में बैठा, तो मैं गलती से यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा इन्फॉर्मेशन डाल दूँ वो सर्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमारे केमिकल के लेबल्स आप जब भी देखेंगे, जहाँ जहाँ पर जो जो एप्लीकेबल है वो सिंबल आपको जरूर मिलेगा। कमिंग टू द प्रेस रूम केमिस्ट्री, फाउंटेन सॉल्यूशंस इरिटेंट टू ह्यूमन स्किन, वॉशेस या अरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, दे आर फ्लामेबल एंड इरिटेंट बोथ। कमिंग टू गम्स इरिटेंट, प्लेट क्लीनर्स इरिटेंट, ओके, दोज आर द सिंबल्स अगेन। कमिंग टू प्रोटेक्टिव केमिकल्स, डीग्लेजर्स नॉन हैजर्डस, डीकैल्सिफायर्स करोसिव, रिजुविनेटर्स फ्लामेबल, ल्यूब्रिकेंट्स नॉन हैजर्डस, IPA फ्लामेबल, IPA सब्स्टिट्यूट फ्लामेबल, एंटीऑक्सीडेंट स्प्रेस, एरोसोल स्प्रे पाउडर्स नॉन हैजर्डस। अभी थोड़ा आगे जाने से पहले एक पॉज लेते हैं। एनवायरमेंट के बारे में एक क्वेरी आई थी, लेट अस सर बी वेरी वेरी क्लियर, ऑफसेट प्रिंटिंग इंडस्ट्री इज अ पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। ओके, हम लोग अपने आप को या और किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री पोल्यूटिंग है। जब तक इंक हमारी सॉल्वेंट बेस्ड है तब तक हमारी इंडस्ट्री पोल्यूटेंट रहेगी। ओके, तो हम एनवायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, ये सच हमने बेस लेवल पे मान लिया तो ये मान के धरे बैठ जा नहीं। सो रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट हमारे हाथ में करने के लिए उत्ता भर है। मैंने सर अभी दाखला दिया ना कि भाई ब्लैंकेट क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, क्योंकि ब्लैंकेट पे पेपर डस्ट का पाइलिंग हो रहा है, तो हर 2500 शीट के बाद 4000 शीट के बाद अगर मैं ब्लैंकेट धोना पड़ रहा तो उतना सॉल्वेंट तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उतना मुझे ड्रेन भी करना है। तो ऐसा कुछ केमिकल है जो मेरे चिलर में डालने से जो है पाइलिंग होते हुए भी मेरे को 10000 के बाद ब्लैंकेट साफ करना पड़े, तो इसमें क्या कर रहे हैं सर, हम लोग एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट जो है कम कर रहे हैं। ये मैंने बताया अभी आपको, डीग्लेजर्स, डीकैल्सिफायर्स, रिजुविनेटर्स, ये जो केमिकल्स हैं, तो पहले सॉल्वेंट वॉश होता है, फिर इसका एप्लीकेशन होता है, फिर सॉल्वेंट वॉश दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप ऐसे चूज करें जो वाटर वॉशेबल हैं। तो एक सॉल्वेंट वॉश बच गया। ओके, वॉशेस में आप देखते हो कि 30% 25% तक पानी मिलाया जा सकता है,
वाटर मिसेबल वॉशेज जो हैं, हमने इनोवेट करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, सेम वॉश जिसमें आप 60-70% पानी मिला सकते हो, सिर्फ 30-35% वॉश रहेगा, बाकी जो है पानी रहेगा और रेगुलर वॉश की तरह काम करेगा। अब 70% पानी होने के बाद में स्मेल तो आने से रही, और 65-70% पानी होने से स्किन इरिटेशन भी नहीं होगा। सो ऐसे सॉल्यूशंस मेरे पास हैं जो वी कैन गो अलोंग एंड सी इट लेटर ऑन। पोस्ट प्रेस केमिकल्स, एक्वियस केमिस्ट्री, नॉन हैजार्डस, यूवी वार्निश इज इरिटेंट, पैकेजिंग वाले सब जानते हैं, एनिलॉक्स रोलर क्लीनर्स जो होते हैं करोजिव होते हैं, एडेसिव फ्लामेबल, स्पेशली हॉट मेल्ट क्लीनर्स जो हैं वो, और IPA हमने पहले ही देखा कि ये फ्लामेबल होता है। अभी हमने ओवरऑल केमिस्ट्री देखा, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको लिंक करना चाहता हूँ कि हम आज प्रेस रूम केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं, तो टेक्नोवा का एक डिवीजन है, वो भी केमिकल्स बनाता है। तो ये जो हमने अभी तक देखा, ये टेक्नोवा केमिस्ट्री के साथ कैसे रिलेट करता, दो बेसिक बाइफर्केशंस किए जाएं, एक्वियस एंड सॉल्वेंट बेस्ड। टेक्नोवाज एक्वियस केमिस्ट्री इज नॉन हैजार्डस, जहां जहां प्रोडक्ट्स में इरिटेशन, करोजिव, हार्मफुल अगर है तो लेबल पे उसका सिंबल आपको मिलेगा अकॉर्डिंगली। अगर जहां पे ग्लोव्स पहनने हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहननी है, और ग्लोव्स मतलब लैटेक्स ग्लोव्स नहीं, डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो नहीं चलेगा आपको, बिकॉज सॉल्वेंट में जो है वो घुल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ग्लोव्स जो हैं सॉल्वेंट रेजिस्टेंट ग्लोव्स आते हैं, और उसमें यहाँ पर हाथ में जो है नर्लिंग इफेक्ट जैसा दिया जाता है, तो आप ग्रिप कर पाओ उसको कि फिसले नहीं हाथ में से। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, बाहर से भी कई सारा आता है, वो रेगुलर अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। सॉल्वेंट बेस्ड केमिकल्स जो हैं टेक्नोवा के, वो फ्लामेबल और कॉम्बस्टिबल हैं। अगेन उसके जो रिलेवेंट रिक्विजिट सिंबल्स हैं वो लेबल पे आपको मिलेंगे। तो हमने बचना कैसे, हैजार्ड हो गया, रिस्क हो गया, हम लोग फायर तक जाके घूम के आए, तो एंड ऑफ द डे हर इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, प्लीज अंडरस्टैंड, केमिकल हैजार्डस हो या नॉन हैजार्डस हो, कोई कंटेनर में पैक होके आता, तो हर इंडिविजुअल का जिम्मा ये है वो पैकेजिंग को विदाउट डैमेज हैंडल किया करे। वो केमिकल जब तक वो पैकेज के अंदर है वो तो बाहर आके आप पे अटैक नहीं कर सकता ना। तो हर इंडिविजुअल को देखना यह है कि भाई मैं पैकेजिंग की केयर करूं। अगर मेरा प्रोसेसर है या प्लेट इंजन है जहां पे एग्जॉस्ट जैसा फैन चलता है, उसके बगल में केमिकल ना रखूं, बिकॉज वो हीट सक करके दे रहा है, तो हीट के सोर्स से हमको अलग रखना है, डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना गिरे, और वेंटिलेटेड जगह हो जहां पे हवा चलती रहे। आप देखते हो ना पेट्रोल पंप पे वो मोबाइल यूज करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, आप आर्ग्यू डेफिनेटली कर सकते हो, पेट्रोल पंप तो खुला है चारों साइड से यार, कौन से ना बंद कमरे में है, तो वहां वेपर का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा। प्रॉब्लम इज वेपर का कॉन्सेंट्रेशन जो हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, हवा ना चल रही हो, वहां दूसरा लंबा गाड़ी खड़ा हो, वहां पे वेपर जब, रिस्क क्यों लेनी, आप विष की परीक्षा तो नहीं देखते ना। इस वजह से बोला जाता है कि भाई ये प्रीएम्प्टिव सेफ्टी है कि यहां यूज ना करो। अच्छा, नहीं करने से वहां पे एक्सीडेंट होगा ही होगा, इसका भी गारंटी नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी जो है उसका बढ़ जाता है, इस वजह से कहा जाता है, इसी वजह से हम लोग बात करते हैं प्रीएम्प्टिव। सो इंश्योर नो डैमेज टू पैकिंग, और लेबल के ऊपर या MSDS जिसको कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट कहा जाता है, और भारत से बाहर कई लोग जो TDS कहते हैं इसको, टेक्निकल डेटा शीट, इंडियन टर्मिनोलॉजीज MSDS, ये दोनों पढ़ना बहुत जरूरी है। लेबल तो कम से कम पढ़ना चाहिए कि भाई लिखा क्या है, और अगर लेबल्स में आपको पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है तो
प्लीज़ आप टेक्नोवा के टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करिए 1-800-22-7474। ये टेक्नोवा की टोल फ्री लाइन है, 9 to 5 रहती है। अगर इससे पहले या बाद में आप फ़ोन करें तो रिकॉर्डिंग मैसेज मिलेगा आपको, आपका मैसेज और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दर्ज भर करा दें, कोई ना कोई आपको फ़ोन करेगा। सो ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। या फिर आप help@technovaindia.com ये ईमेल आईडी है, तो आप उसके ऊपर अपना क्वेरी भेज सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको जवाब मिलेगा। और आपकी क्वेरी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोवा के प्रोडक्ट से ही संबंधित हो, आपको टेक्निकली जो जानकारी, जो पूछताछ करनी है, कोई हेल्प चाहिए तो जो पूछना है आप पूछो, help@technovaindia.com एंड 1-800-22-7474। I have covered this already. Keep away from source of ignition like naked flame, electric spark, fireworks, spill control. Chemical में जो है आप पानी मारना थोड़ा सा avoid करें तो better है, जैसे sand है या लकड़े का भूसा है, ऐसी चीज़ें जो हैं अगर थोड़ा सा एक दो bucket में भर के रखी जाएं तो बेटर है, क्योंकि स्पिलेज अगर होगा तो उसके ऊपर ये डालना चाहिए। क्योंकि अगर ऑयली या सॉल्वेंट जैसी चीज़ें हैं तो आप कई बार देखते हो कि कोई टैंकर से ऑयल लीक हो गया तो वहाँ क्या करते हैं, सैंड डाल रहे हैं ना, पानी नहीं डाल रहे। तो थोड़ा सा अगर अच्छा, जैसे हमारे यहाँ तो छोटे छोटे गालों में प्रेस है, आप कहीं चले जाओ इंडस्ट्रियल इस्टेट में तो 2-3 प्रेस मिला के भी आप रख सकते हो एक जगह, ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रेस का अपना अलग ही होना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स होने जरूरी हैं बस। फॉलो सेफ प्रैक्टिसेस, नो स्मोकिंग जोन, नो नेकेड वायर्स इन द वेयर हाउस। मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको, हम लोग सब देखते हैं, मैं भी बचपन से देखता आया हूँ, हमारे यहाँ कोई भी ना मेंटेनेंस वाला आएगा या घर में इलेक्ट्रिशियन को बुलाया वो आया तो उसके ड्रिल मशीन का पिन ही नहीं होता। मैं हर व्यक्ति को यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज डोंट एक्सेप्ट दिस, ओके। मतलब वो पिन लगाने से क्या जाता है यार, कितने रुपये की है वो पिन। सो व्हाई अनसेफ प्रैक्टिस। छोटी छोटी बातें हैं बट सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इंसिस्ट करो, हर व्यक्ति ने करना चाहिए, ये किसी एक का काम हो। सर मैं एक बात बताता हूँ आपको, सेफ्टी ना इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये सेफ्टी डिपार्टमेंट में शुरू और ख़त्म नहीं होती है, ओके। ये हर व्यक्ति को अपने आप में ढालना है कि मैं कितना सेफ या कितनी सेफ रहना चाहती हूँ, ओके। तो ये थोड़ा सा जो अगर ध्यान दिया जाए ना तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी तक के जो है रिस्क कवर हो सकता है। ये जो कह रहा था मैं आपसे, ये सैंड बकेट्स हैं या इस टाइप का इमरजेंसी एग्जिट देखा जाए, आज जब मैं इस हॉल में आया और अभी कुछ रोज़ पहले मैं बाहर गांव गया हुआ था, किसी होटल में फंक्शन था, मुझे आदत पड़ चुकी है अंदर आने के बाद मैं पहले पूछता हूँ भाई फायर एग्जिट कहाँ है, यू नो एक आदत सी बन गई है वो, तो कहाँ है देख लो, वॉशरूम्स कहाँ है देख लो, बिकॉज सोर्स ऑफ वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल बी दैट, ओके। तो ये कोई मैं सबसे हटके कर रहा हूँ ऐसा नहीं मानता मैं, बिकॉज ये सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत स्टडी किया है तो इंटेंसिटी से जानते हैं उसको, तो थोड़ी सी डिसिप्लिन भर लाई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो अगर ये ऑडियंस में से आज मैं किसी को एटलीस्ट 10% या 20% लोगों को अगर इंस्पायर कर सकता हूँ कि आप ये डिसिप्लिन अपने आप में ले आएँ, तो आपसे ज़्यादा टेक होम वैल्यू मेरी होगी, ओके। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउसकीपिंग, वेंटिलेशन के बारे में वी हैव डिस्कस्ड इनफ। सिंपल बात, ये कोई मशीन के नीचे भी ट्रे जा सकता है सॉडस्ट ड्राई सैंड को लेके, तो अगर आपको इसमें चाहिए। दूसरा, पुलिस फायर ब्रिगेड हॉस्पिटल के नंबर्स डिस्प्ले किए जाएं, तो किसी भी इमरजेंसी में काम में आ सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ एंड फर्स्ट एड
फैसिलिटी, ये तो कानूनन आपको जिम्मेदारी है कि आपको करना चाहिए। अनऑथराइज एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करें आप, आओ जाओ घर तुम्हारा नहीं होना चाहिए, और नेबरहुड में क्या क्या एक्टिविटीज है इसका खास ध्यान रखें कि ठीक है आप, आपका जो डोमेन है, आपका जो प्रेस है, उसमें आपने सेफ्टी मेजर्स ले लिए, ठीक है, बाजू में होजियरी का गाला होगा, कपड़ा है, फायर कैन हैपन। और मैं आपसे शेयर करता हूँ, एक केस मैं जानता हूँ जहाँ आई डोंट नो आप लोग शायद रिमेंबर नहीं करोगे, महाभारत रामायण ये जो सीरियल्स चलती थी टीवी पे, तो होजियरी के इसमें वो आयरन इस्त्री जो है कपड़े पे रख के टीवी देखने चले गए और वहाँ से आग पकड़ के तीन गाले खाक हो गए थे। ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो जोक नहीं है, जब होता है तभी पता चलता है, जब तक नहीं होता है तो ऐसे लगता है कि भाई दिस कैन नॉट हैपन टू मी, मुझे तो हो ही नहीं सकता, स्पेशली फॉर यू नो कॉलेज स्टूडेंट्स। एवरी पर्सन हु स्मोक्स उसको लगता है कैंसर है तो दूसरे को होगा, मेरे को हो ही नहीं सकता, ये माइंडसेट होता है। ओके, सो ये सेम माइंडसेट सेफ्टी में भी आता है, तो थोड़ा सा अगर इसको ध्यान रखिए ना आप, तो बहुत ज़्यादा रिस्क आप कम कर सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और सेफ वर्किंग लोड्स का ध्यान रखें। आई डोंट नो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, आप लोगों से मेरा प्रश्न है, जितने लोग आप टेक्नोवा केमिकल्स कुछ सालों से यूज़ कर रहे हो, पहले 25 लीटर का पैकिंग था, अब वो चेंज करके हमने 20 लीटर कर दिया। सर इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सेफ वर्किंग लोड। इंटरनेशनली एक व्यक्ति ने कितना किलो उठाना चाहिए उसका माप है। जब हमको ये इन्फॉर्मेशन पता चली तो हमने ऑब्वियसली स्टडी किया, तो पता चला भाई ये 25 लीटर तो किलो के हिसाब से जो है सेफ्टी लिमिट से थोड़ा ज़्यादा हो रहा। ओके, इस वजह से तुरंत हमने जो पैकिंग चेंज करा के जो है, तो ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको, हम लोग सीख के जो है जितने चेंजेस करना ज़रूरी समझते हैं हम लोग खुद करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ये नज़र नहीं आ रहा बराबर से, आई नो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट वो फोकलिफ्ट का फोटो है, और ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको कहा जाता है। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ स्पेशली स्टूडेंट्स से, ओके, टू व्हीलर राइड करना है, व्रूम का थ्रिल भी चाहिए, बट हेलमेट के साथ। ओके, टू थ्री थिंग्स, एक तो आप हेलमेट पहनोगे बेल्ट बांध के, ओके, नो हीरोगिरी प्लीज। ओके, दूसरा आप रॉन्ग साइड नहीं जाओगे, और तीसरी बात आप तीन जने नहीं बैठोगे। सर प्लीज बोलिए, आगे पीछे देखा नहीं कर रहा वो। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू, यू मेड माय डे। ओके ओके, मैं खुद बताता हूँ, मैं जब काम शुरू किया मैं मशीन पे खुद वर्कर था, अपने हाथ से प्लेट बनाता था, मशीन पे प्लेट चढ़ाता था, मशीन धोता था, तो मेरे को खुद को मालूम है कि विदाउट ग्लोव्स अगर मैं डेवलपर करूँ तो आगे डेवलपर वापरूँ तो तीन दिन तक मेरे छिलके निकलते रहते हैं। अरे ये मैंने खुद देखा है, आज मैं आपके सामने खड़ा होकर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं जब मशीन पे काम करता था सर, कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बैरियर क्रीम कुछ नहीं था। ओके, आई डोंट नो सम ऑफ द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स विल रिमेंबर, वो दाना चूरा का गम आता था, वो गम को पानी में मिला के जो है फिर उसको निचोड़ते थे, ऑलराइट, वही रोलर को जो है ऊपर एक हाथ से रोलर का स्पिंडल घुमाओ, दूसरे हाथ से उसको घिसो, तो वो मिट्टी के तेल से वॉशेस से जो है स्किन पे इम्पैक्ट होता था, और चूंकि मुझे इरिटेशन होता था
और दूसरा कोई अवेलेबल नहीं था, मैं गम में हाथ डुबो के जो है उसको नेचुरली ड्राई करता था, तो प्रोटेक्टिव लेयर मेरे हाथों पे होता था, उसको लेके काम करता था. ओके, टुडे यू आर लकी, यू हैव सो मच अवेलेबल, प्लीज यूज इट. ओके, डोंट प्ले विथ योर स्किन. सेम पीपल व्हेन यू हैव अ पार्टी टू गो टू, आप फेशियल करने जाओगे तो भाई मेरे चेहरे की स्किन का इतना ध्यान रखते हो, हाथ की स्किन का कौन रखेगा? राइट, अरोमेटिक वॉशेस, एलिफैटिक वॉशेस, अरोमा थेरेपी सब जानते हैं, लेकिन अरोमेटिक वॉश से स्मेल आती है तो भाई इट्स अ वेरी नेचर, वो है ना, अरोमेटिक वॉश है तो अरोमा जो है उसका स्मेल तो आएगा. सो देयरफॉर यू मस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ. अगर मास्क पहनना है तो मास्क पहन लो, उससे कोई खराबी नहीं, कोई परेशानी नहीं है. वो उसमें बहुत ज्यादा माचो ना, मेरे स्किन को कुछ नहीं होता, ऐसा ना करो. बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. मैं जिस वक्त काम करता था तो हमारे में होता था, ये तो क्या नाजुक आदमी, मैंने इसका हाथ देखना पूरी स्किन छिल रही यार, हमारे को कुछ नहीं होता. दिस यूज टू बी द एटीट्यूड. तो ऐसे लोग थे, टाइम अलग था. एनीवेज लेट्स गो अहेड. डू नॉट ड्रॉप केमिकल कंटेनर्स, ये रोज देखते होंगे आप. सिर्फ टोक दो एक बार. ओके, झगड़ा करने वाली कोई बात नहीं, टोक दो बार. क्या कर रहे हो यार भाई, ठीक से रखो. इतना भर बोलने से भी बहुत अंतर पड़ता. अगेन दिस इज, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल दिस. डोंट स्टैक मटेरियल नियर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स. बस सेफ्टी के बारे में इतना ही बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे, अभी भी बोलता हूँ. सेफ्टी जो हो हर व्यक्ति से आती है. ओके, जेंडर से उसका कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है, हर व्यक्ति को आता. तो सेफ्टी डिपार्टमेंट क्लियर मैंने आपको बताया. help@technovaindia.com और 1-800-227-474. प्लीज सीक दी हेल्प. आपको जो भी हेल्प चाहिए वहाँ मिलेगी. तो सेफ्टी मैं यहाँ तक लाके ख़त्म करना चाहूँगा. आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस हैं वो बना के रखे हैं, बिकॉज यहाँ से विषय को मैं बदलना चाहूँगा. सेफ्टी सो मच. एनी टॉप ऑफ द माइंड क्वेश्चन सेफ्टी पे? नो, लेट्स गो अहेड. प्रेस रूम केमिस्ट्री बेसिक्स, राइट? व्हाई केमिस्ट्री, क्यों यूज करनी चाहिए? प्लेन वाटर इज अवेलेबल एवरीवेयर, मैं सिर्फ पानी ही क्यों ना यूज करूं? पानी एज अ सोर्स का इंपॉर्टेंस हमें क्या है, क्या क्या फैक्टर्स प्रिंटिंग को अफेक्ट करते हैं? स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस वाला भी क्वेश्चन था, फिर परसेंटेज वाला भी क्वेश्चन था. सर, ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिंटिंग, कंडक्टिविटी, पीएच, टोटल हार्डनेस, कैल्शियम मैग्नीशियम में टोटल अल्कलानिटी. मैं, चूंकि हम लोग केमिकल्स बनाते हैं तो हम लोग ज़्यादा डीपर जानते हैं, मिथाइल ऑरेंज अल्कलानिटी, फेनाफ्थालिन, बट इस ऑडियंस के लिए वहाँ डीप जाने की ज़रूरत नहीं. ओके, सो टोटल अल्कलानिटी एंड करोसिव इन्ग्रीडियंट्स, जिसको कि क्लोराइड्स कहते हैं. अब ये जो फैक्टर्स हैं जो प्रिंटिंग को इम्पैक्ट करते हैं, इसके स्टैंडर्ड रीडिंग्स क्या होने चाहिए? पीएच 7-8 एक्सेप्टेबल है. कंडक्टिविटी 300-360 माइक्रोसीमेंस. टोटल हार्डनेस, अगर आप जीएटीएफ का स्टैंडर्ड देखने जाएं शीट फेड प्रिंटिंग के लिए, तो 150-180 पार्ट्स पर मिलियन, 150-180. जर्मन स्टैंडर्ड को डीएच में गिना जाता है, तो अगर आप पीपीएम जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉलो करता है पार्ट्स पर मिलियन, इसका जर्मन स्टैंडर्ड देखने जाए तो डीएच इज ड्रग हार्डनेस. डी इज ड्रग, डी आर यू के, एच इज हार्डनेस, 8-10 डीएच इज इक्वल टू
150 to 180 ppm GATF standard. सेम स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए, वेब प्रिंटिंग के लिए इफ्रा देता है, वो है 10 to 12 DH, 180 to 200 पार्ट्स पर मिलियन टोटल हार्डनेस. अब ये मेजरमेंट हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गए. एज एन इंडिविजुअल मैं हमेशा अपने आप से ये पूछता कि भाई इतना सब तो देख लिया, मुझे इससे क्या, मैं इससे लेके क्या करूं. स्टैंडर्ड तो बोल दिया बट मेरे काम में कैसे रिलेट होगा. तो पानी जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे ज्यादा डिफरेंस ये प्रमाणों में उसमें आता है. क्यों आता? जब समर में गर्मी ज्यादा बढ़ती है, सब लेक्स का पानी नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला जाता है, तो थोड़ा सा सोचने भर का बात है, पानी का वॉल्यूम कम हुआ तो उसमें टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स जो है उसका प्रमाण बढ़ गया. सिंपल राइट. बारिश हुई, अंडरग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आया, पानी का वॉल्यूम बढ़ गया, सो टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स जो है अल्कलिनिटी घट गई. सो व्हाट डज इट टेल अस? पानी चेंज करेगा सीजन के हिसाब से. और प्रिंटिंग में हमें चाहिए कंसिस्टेंसी. और सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स जो हम यूज कर रहे हैं उसमें रोज अंतर आता है. थोड़ा सा डीपर जाएं, इसमें एक ही प्रेस है, एक यहां है, एक 5 किलोमीटर पे है, या समझ 500 मीटर मेन पानी की टंकी से जो है पानी जा रहा है, पाइपलाइन बिछी हुई है. तो पाइपलाइन का अंतर यहां से यहां और यहां से 500 मीटर सालों से जो पानी चल रहा है उससे जो कैल्शियम डिपॉजिट्स वो पाइपलाइन में हुए हैं, आप सोचते हैं दोनों पानी का रीडिंग सेम मिलेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है सर. लेकिन हमारे रोज के लाइफ में हम ये सोचते हैं यार एक ही सोर्स से पानी आ रहा है, इस मशीन पे अलग क्यों आ रहा है, उस मशीन पे आउटपुट अलग क्यों आ रहा है. तो भाई आएगा ना, अनलेस के वो डिफरेंस जो आ रहा है पानी का उसको आप कॉम्पेंसेट करो. पानी के अंदर जो भी आप मिला रहे हो, एडिटिव्स डाल रहे हो, उससे कॉम्पेंसेट करिए उस डिफरेंस को. सो देयरफॉर इंडस्ट्री ने शुरू किया कि भाई प्रिंटिंग प्रेस के लिए तो ट्रीटेड वाटर वापरना चाहिए. ये वेरी नाइस न्यू टेक्नोलॉजी. तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू ट्रीट वाटर? सॉफ्टनिंग, डीएम डीमिनरलाइजेशन, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस. फंडामेंटली तीन तरीके. ये तीनों से हमें क्या मिलता है? सॉफ्ट वाटर. नाउ सॉफ्ट वाटर के दो फंडामेंटल इश्यूज हैं, ठीक है? आपने सिर्फ हार्मफुल सॉल्ट्स नहीं निकाले, आपने सब सॉल्ट्स निकाल दिए, तब पानी सॉफ्ट हुआ ना. नाउ सॉफ्ट वाटर ऑलवेज कॉजेस करोजन. रिमेंबर दिस, सॉफ्ट वाटर से करोजन होगा. सॉफ्ट वाटर से करोजन हो सकता है नहीं बोल रहा हूं मैं, होगा. और प्रिंटिंग का जो बेसिस है वो इंक एंड वाटर इमल्शन के स्टेबिलिटी पे है. तो सॉफ्ट वाटर जो है इंक के साथ में स्ट्रांग इमल्शन फॉर्म नहीं करता. ओके, अब मैं आपको लिंक करता हूं. इस वजह से GATF ने और इफ्रा ने स्टैंडर्ड बनवाए कि ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए पानी में जो टोटल डिजॉल्व सॉल्ट या हार्डनेस चाहिए वो 150 to 180 ppm चाहिए. सो आप पहले पानी को लेते हो, फिर ट्रीट करते हो, ट्रीट करने के बाद में री हार्डनिंग करना पड़ता है टू दी स्टैंडर्ड, तब जाके आपको प्रिंटिंग क्वालिटी की जो कंसिस्टेंसी चाहिए. सर द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अ फॉरेन प्रिंटर, ओके, व्हाई? नंबर वन, उनके इंक स्टैंडर्ड मिलते हैं, ओके. दूसरा बात, ये जो मैं स्टैंडर्ड्स आपसे कह रहा हूं
ये हर स्टैंडर्ड को वो फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डोजर से डोजर होगा। किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई करेक्ट परसेंटेज कैसा आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डोजर होता है, ठीक तरीके से कैसे वापरा जाए। अनदर क्वेश्चन, हम क्या मेजरिंग ग्लास तक नहीं होता मशीन पे? ओके, कब डालना है? कंडक्टिविटी का प्रमाण हमको लेना है, तो कंडक्टिविटी जो है मशीन रूम पे जो है, हर मशीन को अपनी अपनी कंडक्टिविटी रेंज डिसाइड करनी होती है कि कंडक्टिविटी मैं शुरू करूंगा समझ लीजिए 1200 से और 2400 पे पहुंचे तो मैंने चेंज कर देना, चिलर से पानी निकाल देना। ये मैं एक दाखला करके बता रहा हूं, आप अलग रेंज यूज कर सकते हैं उसमें। फिर ये नहीं कि नहीं नहीं अर्जेंट जॉब आ गया, नहीं नहीं इसमें 500 को वहां चेंज करना है, चेंज करना है। हम में और उनमें ये फर्क है। ओके, आई नो अ केस, समवन वाज नरेटिंग टू मी प्रफुल, कि कोई प्रिंटर हैं जो एलीट प्लेट वापरते हैं और उनको जो है इमेज ब्लाइंडिंग का दिक्कत आया। ओके, वो इमेज में शाही नहीं पकड़ रहा, तो हमारा आदमी वहां गया, वो भी क्या करे। अब जो रोज वहां पे 50 प्लेट यूज कर रहा है उसके पकड़ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम, मेरे को बताओ यार मेरा आदमी जाके कैसे पकड़ेगा। बट बुलाया उनको तो उन्होंने कंडक्टिविटी ये सब मेजरमेंट चेक किया, बोले भाई चिलर्स में से पानी निकाल दो, फ्रेश बाथ चार्ज करो। फ्रेश बाथ चार्ज किया, तुरंत शाही पकड़ लिया। तो इससे पहले जिस प्लेट में शाही नहीं पकड़ रहा था, बोले भाई इसको निकालो उसको चढ़ाओ मशीन पे, वो चढ़ाया उसमें भी शाही पकड़ा। सो सर्टन कंडक्टिविटी लेवल्स जब आपका पानी पहुंच जाएगा उसके बाद में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वहां पर एक चार्ट में जो है नोट डाउन करना बहुत जरूरी होता कि मेरे इस मशीन की कंडक्टिविटी रेंज ये फाउंट के साथ कितनी है। ओके, बस उतना मापदंड आप रखो, सिंगल शिफ्ट है, दो है, तीन है, जैसा कामकाज कारोबार चलता है, हर बंदा रेफर कर सकता है उसको, हर व्यक्ति देख सकता है। सो ये सब का अर्थ क्या हुआ? फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अगर कंसिस्टेंट आउटपुट हमें चाहिए तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को यूज करना पड़ेगा, वो डिसिप्लिन लानी पड़ेगी कि 2% अगर फाउंटेन सॉल्यूशन डालना है तो अगर मैं आपकी जगह हूं, मैं सप्लायर को बुलाऊंगा कि भाई कोई टेक्निकल व्यक्ति को ले आओ, मैं पूछूं, भले मैं उसका मानूंगा 2% डालूंगा, बट ये पूछ के रखूंगा 2.5 डाला तो क्या होगा, 3% डाला तो क्या होगा, 4% डाला तो क्या होगा। आपने रेंज बताई है 2-4%। सो पेरिफेरल नॉलेज जो होना है कि ये करने से क्या होता है, बिकॉज आपको एक बार इतना पता चल गया ना, आप एक्चुअली वहां पे प्रोडक्शन कर ही रहे हो, तो 2+2 कहां पे जोड़ना है, कहां पे 4 होगा, कहां पे 3.5 होगा, कहां 4.5 होगा, हर व्यक्ति अपने आप में जानता। तो ये थोड़ा सा आप जानकारी रखें कि भाई परसेंटेज को चेंज करने से, क्योंकि एक बार आपको ये समझ में आ गया कि ये परसेंटेज ऐसा ही क्यों बोलते। एक बात बताओ यार, मैन्युफैक्चरर को क्या मतलब कुछ दिमाग वापर के उसने बोला है 2-4% वापरो, तो उसके दिमाग में क्या है इसका अर्थ? एज अ यूजर अगर आप नहीं जानते हो तो गलतियां होंगी, ठीक। सो ये थोड़ा सा अगर आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को देखें तो हेल्प हो सकता है। सॉफ्ट वाटर का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर सॉफ्ट नहीं है पानी हार्ड है, बोरवेल से खींच रहे हो वो पानी अगर प्रेस में आ रहा है तो डेफिनेटली। हार्ड वाटर का मैं प्रिंटिंग से छोड़ के आपको अनुभव बताता हूं। कई गांवों में हम जाते हैं जहां पे पानी पीते ही बोलते हैं खारा पानी है यार ये हार्ड वाटर। उस गांव में आप हमेशा से एक बात का अनुभव करोगे, आप साबुन लेके जब नहाने जाएंगे वो साबुन से झाग नहीं होगा। ओके, ना आपके शरीर पे होगा ना कपड़े पे होगा, ठीक है, दैट इज हार्ड वाटर। ऑलराइट, सो हार्ड वाटर जो है उससे हमें दिक्कतें क्या क्या आ सकती है, इट बिकम्स लाइक अ सोप।
हाफ टोन भर रहा है, फिलअप हो रहा है, छह पॉइंट का टाइप रिवर्स में है, फिलअप हो रहा है, रजिस्ट्रेशन की वजह से नहीं। ओके अगर एक बाल भर बाहर है तो भी भरेगा वो, ठीक है, बट कारण अलग भी हो सकते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स कॉज ग्लेज एंड इंक्रीज शोर हार्डनेस ऑफ द रबर। ओके जितने लोग यहां मशीन की जानकारी रखते हैं सबको शोर हार्डनेस पता है, फॉर्म रोलर का 25 टू 28 के बीच में होगा, ऐसे अलग अलग शोर हार्डनेसेस है। अल्कलानिटी एक्सेसिव लेवल्स वो पीएच को न्यूट्रल की तरफ ले जाएगी। ऑफसेट प्रिंटिंग अदर देन अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में एसिडिक फाउंड्स यूज करते हैं। एसिडिक फाउंड शीटफेड में 4.8 टू 5.2 पीएच होना चाहिए, जो कुछ साल पहले 4.5 टू 5.5 हुआ करता था, अब थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो गया नॉर्म। अमेरिका बाय एंड लार्ज जो है न्यूट्रल फाउंड्स यूज करता है, एसिडिक नहीं यूज करते, उनका पीएच 6.8 टू 7.2 होता है। एंड क्लोराइड्स जो है मेटल करोजन कॉज होता है, हमने पहले देख लिया। सो पानी एज अ सोर्स, अब पानी मिलता है फाउंटेन सॉल्यूशन में, तो थोड़ा देखें फाउंटेन सॉल्यूशन के क्या क्या प्रमाण है। व्हाई यूज, क्यों यूज किया जाए, क्योंकि रॉ वाटर अकेले से जो है ऑफसेट प्रिंटिंग की केमिकल की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर में वेरिएशंस होते हैं जो हमने पहले देखा। प्रिंटिंग प्लेट और शाही जो है डिजाइन टू परफॉर्म अंडर प्री डिटरमाइंड कंडीशन। अब ये प्री डिटरमाइंड कंडीशन मतलब क्या है, ट्रीटेड वाटर के साथ में इमल्शन फॉर्म करना, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स है प्रिंटिंग की। सो फाउंटेन सॉल्यूशन क्या क्या काम करता, और मैं दोबारा से आपका ध्यान बांटना चाहूंगा, एक तरफ फाउंटेन सॉल्यूशन मशीन में जो आप डालते हो चिलर में 2 to 4% के बीच में, नॉर्मली 2-2.5%, ये 2 to 2.5% में उसके काम कितने, देखिए, वेटिंग एजेंट, बफरिंग एजेंट, इमल्सिफायर, गम, ह्यूमेक्टेंट, कैल्शियम कंट्रोल, बायोसाइड, करोजन इनहिबिशन, 8 to 9 फंक्शनैलिटीज 2% कॉन्सेंट्रेशन में इस केमिकल ने करनी है। तो अगर किसी के पास R&D का सपोर्ट नहीं है, डेवलपमेंट का सपोर्ट नहीं है, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है, पैसे कमाने आया है, एसिड और पानी का मिश्रण करके कलर मिला के दे रहा है, ऐसे भी लोग हैं भाई, सबको पेट है और देश की आबादी भी इतनी ज्यादा है, तो क्या करेंगे। बट सस्ता सब बोलेंगे, आपने कैसे पहचानना है कि ये ढंग का पार्टनर है क्या मेरे लिए। सबसे पहले तो आप बोलो कि भाई आपके लेबल जो है, लेबल पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो मुझे बतलाएं। दूसरा, प्रोडक्ट को मशीन में डालने से पहले प्लीज MSDA शीट दीजिए, और MSDA शीट को ना मेरे साथ में बैठ के मुझे समझाओ, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है ये क्या है, मैंने इससे क्या समझना चाहिए। हैजर्डस इंग्रेडिएंट्स में वहां पे CAS कास नंबर आएगा, कास नंबर का मतलब क्या है, देखिए ऐसा है कि कल उठ के अगर आपके मशीन के बेरर में पिटिंग करोजन हो गया तो कितने लाख का चूना लगेगा वो आप जानते हो, उस वक्त वो सप्लायर नहीं आने वाला देखने के लिए। दूसरा, भगवान ना करे कोई जॉब रिजेक्ट हो जाए, उस वक्त कहाँ जाएंगे, वो नहीं आएगा, क्योंकि उतने पैसे में सस्ता बोल के वो पेरिफेरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकता। आप लोगों में से अगर कभी कोई हमारी फैक्ट्री में आना चाहे तो जो टेक्नोवा के डीलर आपके यहाँ आते हैं या जो हमारे सेल्स वाले आते हैं, आप उनसे बात करें, एंड डजेंट मैटर कि आप मशीन पे प्रिंटर हो या आप परचेस में हो या सुपरवाइजर लेवल पे हो या आप प्लांट मैनेजर हो,
उससे कोई मतलब नहीं। आप मुझे देखिए सप्लायर की तरह, और आपको अगर मेरी फैक्ट्री और फैसिलिटी आके देखनी है तो राइट नाउ मैं फॉर्मली आपको न्योता दे रहा हूँ। आप टेक्नोवा के किसी भी व्यक्ति से, चाहे डीलर हो या एम्प्लॉय हो, आप प्लान करिए। हमको बहुत खुशी होगी कि आपको ले जाएं, R&D से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सब दिखाएं। हमारी वेइंग सिस्टम क्या है, फिलिंग सिस्टम क्या है, किस मापदंड से हम चलते हैं वहाँ पर, हमारी सेफ्टी क्या है। मैंने इतना बड़ा सेफ्टी का बोला, मेरे यहाँ पे आप सेफ्टी देखिए, जहाँ पे केमिकल फैक्ट्री चलाते हैं वहाँ पे मोबाइल जैमर्स लगे, आपका मोबाइल चलेगा ही नहीं। ओके, तो सेफ्टी को उस हद तक के ले जाते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज आके देखिए कि आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट या केमिकल्स वापर रहे हो, ऐसा नहीं है सिर्फ के जो प्रेस मालिक हैं उन्हीं के लिए इनविटेशन है। इनविटेशन आप सब के लिए है। अगर टीचर्स को, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग स्टूडेंट सम टाइम, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यू आस्क अस एंड इसको हम जो है सेट कर सकते हैं। तो कम से कम कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंज्यूमेबल्स का कैसा होता पता तो चले, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या सेफ्टी एंगल से हम जान सकते हैं प्लांट को, राइट? तो आई थिंक इन्विटेशन लेट अस गिव देम। आप में से जिसको भी आना है आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। देन कमिंग टू बेसिक फंक्शंस फाउंटेन सॉल्यूशन का, इंक वाटर बैलेंस को फॉर्म करना, नॉन इमेज एरिया को डिसेंसिटाइज करना, मतलब किस कम नहीं आना चाहिए, ठीक? नॉन इमेज एरियाज को साफ रखना ड्यूरिंग द रन कंटिन्यूअसली, यूनिफॉर्म थिन वाटर फिल्म, रोलर ट्रेन के बीच में से जो है ग्रिपर तक एक स्मूथ फिल्म पहुंचनी चाहिए, एज अ ल्यूब्रिकेंट टू द प्लेट, और इमल्सिफिकेशन को कंट्रोल करें, एक स्टेबल इमल्शन को फॉर्म करते हुए। तो इतने सारे बेसिक फंक्शंस हैं फाउंटेन सॉल्यूशन के। इंक वाटर इमल्शन हम बोले जा रहे हैं जब से, तो इसको थोड़ा सा देखा जाए कि भाई दिखता कैसे है, ये एनिमल है किस टाइप का। अनस्टेबल इमल्शन, क्या इमल्शन जो है एक से ज्यादा लिक्विड्स जो अपने आप में मिसिबल नहीं है एक दूसरे में, उनका जो मिश्रण होता है वो इमल्शन है, ठीक है? तो लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स अगर रहते हैं उस इमल्शन में तो अनस्टेबल है, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स इज द स्टेबल इमल्शन। तो फाउंड में फर्क क्या है, फाउंड की कीमतों में फर्क क्या है? सर दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। ओके, सेम pH कंडक्टिविटी पाने के लिए 40 रुपए वाला फाउंड जो है आप 6% 7% डालोगे, हिसाब में वही पढ़ने वाला, मैं लिख के देता हूं आपको वही पढ़ने वाला। ओके, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसी पोजीशन आप बन नहीं सकती पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ भारत की बात नहीं है, कि कोई चीज अगर 40 रुपए में बना सकता है विद सेम फीचर्स, वो चीज 200 रुपए में बिक नहीं सकती। आज के वर्ल्ड में ये कॉम्पिटिटिवनेस आ चुका है, 100% क्वालिटेटिव डिफरेंस होना चाहिए। आप कैमरा लेने को जाओ, आप फोन लेने को जाओ, बाद में लास्ट में पता चलता है यार ये दोनों में इतना प्राइस डिफरेंस है, हाँ इसके पता भाई 2GB मेमोरी है ना, वो 16GB वाला है। अब मेमोरी कार्ड डालते जाओ आप, और जब जोड़ते जाओगे ना हिसाब को, पहुंचने वाली उधर ही हो, 19-20 का अंतर। और ये चीज जो है आपके केमिस्ट्री कंज्यूमेबल्स के बारे में भी है, सस्ता तो हर कॉर्नर से मिलेगा। तो सर आज अगर आप मेरे कस्टमर हो तो यू आर अ कंज्यूमर फॉर मी ना, मैं जब मेरे लिए चीजें खरीदने जाता तो मैं भी तो कंज्यूमर हूं ना, तो मैं भी ब्रांडेड और सस्ता चाहता हूं ना। बट ब्रांड की जो कीमत है
व्याजबी कीमत है वो मैं चुकाने में विश्वास रखता हूँ। ओके, अगर आप जिम में जाते हो, आप में से कोई स्पोर्ट्समैन हो, दौड़ने जाते हो, तो मुझे एक सिंगल ब्रांड बताओ इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स शूज का जो आप 2-3 साल तक चला सकते हो। नहीं चला सकते। कीमत 800 से 1200 रुपये, राइट? व्हाट अबाउट नाइकी एंड एडिडास एंड प्यूमा एंड लोटो? 5000 प्लस। व्हाई आर यू पेइंग? स्पोर्ट्स शू इज अ स्पोर्ट्स शू इज अ स्पोर्ट्स शू, राइट? सो सेम एप्लीकेशन की चीज आप खरीद रहे हो और आपको अगर कोई बहुत ज्यादा सस्ते में दे रहा है तो सबसे पहले सर डाउट खाना उस पर कि भाई कैच क्या है वो बता। ओके, सो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखो तो बच पाओगे, स्टैंडर्ड चीज यूज कर पाओगे, वेस्टेज बचा पाओगे। फोकस हमारी जो इंडस्ट्री है, आप लोग जो यूजर्स हो, ये आपके पास से डिमांड आती है जो हमने कैप्चर की है। आप लोग क्या मांगते हो? हमें अल्कोहल रिडक्शन और एलिमिनेशन वाला फाउंड चाहिए, लो कंडक्टिविटी वाला चाहिए, लो फोमिंग या जीरो फोमिंग चाहिए, फोग्रा अप्रूव्ड या करोजन इनिबिशन वाला दीजिए, और कई जो स्पेशलिस्ट प्रिंटिंग में जाते हैं बाल्डविन का भी हमको अप्रूवल चाहिए, फलाने का चाहिए, फलाने का चाहिए, तो दैट इज OEM सर्टिफिकेशन। इसको हम कहते हैं VOC, वॉइस ऑफ कस्टमर। कंपैटिबिलिटी फैक्टर, इसको कंपैटिबल रहना रॉ वाटर के साथ। सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन में अल्कलर हाइडलबर्ग, कोमोरीमैटिक कोमोरी, सो अलग अलग डिजाइन हैं। सो फाउंड सिस्टम डिजाइन, प्रिंटिंग प्रोसेस एंड अदर कंज्यूमेबल, सबके साथ इसको कंपैटिबल रहना है। देन लेट्स कम टू अल्कोहल, जस्ट सो दैट यू नो, ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल है। अगर कभी किसी ने रिस्क लेके पीने की कोशिश करी तो फेटलिटी हो जाएगी, मर जाएगा आदमी, तो रिस्क मत लेना। ओके, इज आर इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स, नॉट द फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका फंडामेंटल रोल है लोअर सरफेस टेंशन, सो रिड्यूस्ड वाटर। ये विस्कोसिटी बिल्डर है। विस्कोसिटी में हम लोग क्या समझे? बिकॉज प्रिंटिंग केमिस्ट्री में विस्कोसिटी थोड़ा सा अलग से समझना जरूरी है। विस्कोसिटी नॉर्मली हम लोग सोचेंगे कि थिकनेस ऑफ द लिक्विड या थिननेस ऑफ द लिक्विड, राइट? ओके, बट ऑफसेट केमिस्ट्री में विस्कोसिटी को फ्लो प्रॉपर्टी के हिसाब से समझना, ठीक है? अभी इश्यू क्या है, अगर आप अगेन ना फॉर यू गाइस करिकुलम में आएगा तो यू विल लर्न, बट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं सर, अल्कोहल डैम्पनिंग सिस्टम, पेन रोलर, मीटरिंग रोलर, ब्रिज रोलर फॉर्म, और अगर स्कैवेंजर रोलर नीचे लगाया है एडिशनल पानी ने, फंडामेंटल ये डिजाइन है, ठीक है? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि IPA विस्कोसिटी बिल्डर है, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ता है, इस वजह से पानी कम लगता है। तो अभी यही डिजाइन को अलग नजर से देखते हैं। पेन रोलर ने पानी की फिल्म उठाई, घुमा, पानी की फिल्म स्प्लिट हुई मीटरिंग रोलर के साथ, स्प्लिट नंबर वन, ठीक है? अब जो पानी चला था उससे कट गया, अब मीटरिंग रोलर ने टच किया ब्रिज को, सेकंड स्प्लिट, ब्रिज रोलर ने टच किया फॉर्म रोलर को, 3 स्प्लिट्स, ठीक है? तो फंडामेंटल डिजाइन ये किस कारण से बना है कि ये वाटर फिल्म जो पैन रोलर ने पकड़ी और चली, 3 स्प्लिट के बाद में मेरे प्लेट पे इतना डैम्पनेस पहुंचना चाहिए कि मुझे स्कम लाइन नहीं आवे, ठीक सर? और जब आप सिस्टम में से IPA को घटाते हो या निकालते हो और आप कॉम्पेंसेट नहीं करते हो, विस्कोसिटी बिल्डर को आपने इक्वेशन से हटवा दिया, राइट? आप प्रॉब्लम में आओगे।
राइट। तो साइंटिफिक रीजन से समझना बड़ा जरूरी था। तो जब आप केमिस्ट्री में ऐसे सब एक्सरसाइज करने जाते हो तो ये साइंस समझना बहुत जरूरी है। ओके इस वजह से फाउंटेन सॉल्यूशन इसको समझते हुए बनाने की टेक्निकल काबिलियत रखने वाला सप्लायर चाहिए आपको, ना कि आपके पास आके खुद की लैब बना के एक्सपेरिमेंटेशन करे आपके पैसे से। ओके सो अगर आपको आईपीए रिडक्शन करना है, एलिमिनेट करना है, तो टेक्नोवा के पास सॉल्यूशंस हैं। मैं नहीं जानता आप में से अगर कोई लोग जानते हो, मेरा एक फाउंटेन सॉल्यूशन है हमारा अल्कोनिल, आज 7 सालों से इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कम से कम 250 से 300 मशीनें हैं जिस पे सक्सेसफुली चल रहा। और 7 साल पहले ये प्रोजेक्ट मुझे दिया गया था कंपनी की तरफ से कि जीरो आईपीए फाउंड बनाना है। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा मार्केट हंसता था मेरे पे, बोले जर्मनों को तो अकल है नहीं, तुम अकेले अकल वाले पैदा हुए हो, वो अल्कोहल डैम्पनिंग की मशीनें बनाते हैं और तुम ऐसे फाउंटेन सॉल्यूशन बनाओगे जिसमें आईपीए लगेगा नहीं। ओके बट 250 to 300 सेटिस्फाइड कस्टमर्स ओवर 7 ईयर्स, ये तो सिर्फ मैं इंडिया का बोल रहा हूं, जो बाहर है वो अलग। सो ये सब सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं अगर आप इस साइंस को समझते हुए मेरे साथ काम करें, हमारे लड़कों के साथ, हमारे सेल्समैनों के साथ काम करें, तो मैं आपके प्रेस में आपको आईपीए घटवा के दे सकता हूं, एलिमिनेट करवा के दे सकता हूं, और ये मैं करके दे सकता हूं प्रिंटिंग क्वालिटी के साथ खिलवाड़ किए बगैर, जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रिंट क्वालिटी। ओके सो अगर आप लोग कोई इस रास्ते पे जाना चाहते हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस।